गाइस वेलकम टू द माय चैनल गाइस गाइस मैं आज स्विफ्ट डिजायर कॉटराजेट इंजन डीजल है तो आज मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूं। आज मैं टाइमिंग चेन इसका और ऑलिंग करूंगा, तो आज मैं टाइमिंग चेन के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा गाइस और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ इसका किलोमीटर कितना हो गया और उसके ऊपर रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। 84 हुआ है तो आपको दिखाता हूँ किलोमीटर। तो गाइस इसमें टिक 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 वो चैन का आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए मैं चैन और ऑलिंग करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं साइलेंसर निकाला हूँ, ये अलग कर दिया हूँ, साइलेंसर डिस्कनेक्ट किया हूँ और ये ऑयल सम का सब बोल्ट खोल दिया। अभी ऑयल सम निकालने वाला हूँ। तो अभी ये इसका साइलेंसर ऑयल सम निकालना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में, और गाइस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं। और यहाँ का ब्रैकेट होता है, ये निकालना पड़ता है। अभी ये ऑयल सम निकाल दिया मैंने ऑयल सम पर, देख सकते हैं सर। और गाइस ये इसका निकालने का ऑयल सम निकालने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो स्टेनर है ये टाइमिंग कवर में टाइट होता है, आप देख सकते हैं टाइमिंग कवर में अटैच है, इसकी वजह से निकालना पड़ता है इसका ऑयल सम। तो गाइस इसका टाइमिंग लॉक करने के लिए इधर है, ये निकालना पड़ेगा, और इस इंजेक्टर का जो कपलर है हारने से निकालना पड़ता है। अभी मैं रेल निकालने वाला हूँ, कॉमन रेल है, एक प्लेट निकालूंगा, इसके पीछे दूसरा पुल्स लॉक करूंगा। तो कैमशाफ्ट दोनों बाजू से लॉक होता है, डबल कैमशाफ्ट है ना सेट में, तो दोनों लॉक करना पड़ता है गाइस। तो ये प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस अभी रिमोट प्रोसीजर चालू है, बेल्ट निकाल दिया, प्लेन निकाल दिया। और गाइस कभी भी टाइमिंग कवर निकालने में ये जो कॉटराइजर इंजन है ये वाटर पम्प निकालना पड़ता है, वाटर पम्प नहीं निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, देख सकते हो। अभी मैं वाटर पम्प निकालूंगा और वाटर पम्प निकालने के बाद फिर टाइमिंग कवर निकालूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो गाइस देख सकते हैं वाटर पम्प निकाल दिया मैंने, देख सकते हैं अभी वाटर पम्प निकाल दिया मैंने। निकाल दिया हूँ एक जो कैमशाफ्ट बिल रहता है और नीचे का क्रैंकशाफ्ट बिल रहता है, तो आप देख सकते हैं। कभी भी नंबर बाहर रखने का, बाहर की साइड इसमें नंबर है, इसमें भी नंबर है, जूना वाला है और दूसरा एक जूना है, तो ये दोनों नया है और रिप्लेस करूँगा, चैन नया डालूँगा और पूरा उसका गाइड भी नया डालने वाला हूँ। तो गाइस ये प्रोसीजर होता है टाइमिंग और ऑलिंग का, जो कॉटराइजेट इंजन है जिसमें नॉइज जनरेट होता है या टूटने के चांसेस रहता है। तो गाइस इसे एक मिरर लेने का, अभी कांच इसके अपोजिट रखने का होल के सामने, ये
बोल्ट जाना, और इसमें दिखेगा जब इसका पोजीशन आएगा। और ऐसा दो लॉक होता है, ऐसा दो लॉक होता है, तो ये स्लॉट में जाके लॉक होता है, चंपा फिर है। और एक इधर होल है, इधर दोनों बाजू लॉक होता है, और घुमा के लॉक करने का है, तो सब डाल के लॉक करने का घुमा के। तो गाइस ये पाना लेने का और घुमाने का और यहाँ पे चेक करने का इसे घुमाने का। तो अभी स्लॉट आएगा, तो देख सकते हैं अभी स्लॉट आ गया है कट, और अभी मैं ये लगा दूँगा। और गाइस ये यहाँ पे गियरबॉक्स में होल होता है, और होल में अभी वाल डाल रहा हूँ, एलंकी एक्चुअली जाता है, तो एलंकी डाल के लॉक कर देने का। अभी मैं लॉक कर दिया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है, कट है फ्लाईव्हील के अंदर, तो कट में जाके लॉक हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है लॉक करने का। तो भाई ये सब नया है, अभी अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ, एक गाइड है और एक टेंशन हो रहा है, और इस चैन में रिप्लेस करने वाला काम कर रहा है प्रकाश, वो पेंटिंग भी करा के देना है, वो मेरा साला नहीं दे रहा, तो इस सब रिप्लेस हो जाएगा। सब नया है, तो गाइड सबसे पहले फिट करने का गाइड, अरे हो तुम्ही कट प्रॅक्टिस करा यार, त्याच्याबद्दल माझं काही हे नाही, पण ऍक्च्युली 3% ते करायला पाहिजे ना, माझं म्हणणं एवढंच आहे, पण त्यांच्याकडे एवढी गर्दी असते चौघडांकडे की काय ते हिशोबी गर्दी असते, सगळ्यांचे पर्सेंटेज ठरलेले आहेत म्हणून तिकडे गर्दी असते, म्हणे तिकडे काय एकच आहे का चौघड पाहिजे ते बाकी कोण नाही काम करणार।
टंकी लगा दूंगा। गाइड फाइनली लगाऊंगा टेंशनर की साइड वाला। तो गाइज अभी नीचे वाला टाइट कर रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं टेंशनर लगा रहा हूँ फाइनली। अच्छा तुम अपलोड करके ये तो भेजते रहते हो गया। तो गाइस टाइमिंग ओवरऑल डन हो गया और ही सेम प्रोसेस होता है कॉटराजेट ऑल कॉटराजेट इंजन में। सपोज मारुति का रहने जो अभी मारुति वाले को दिया है लेनिया पुंटो में है फियाट में और टाटा में भी है सेम प्रोसीजर फॉलो करने का। बाकी इसमें कुछ है नहीं, एकदम बेसिक प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है। बट कैसा थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए आदमी को। और कभी भी चैन ड्राई इंजन है कभी भी उल्टा घुमाने के नहीं जाता है। इंजन उल्टा घुमाने से क्या होता है टाइमिंग चेन लूज हो जाता है, लूज होने से क्या होता है जम ले लेता है। बाकी इसमें कुछ रहता है नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस ये टाइमिंग चेन पे जो ये मार्किंग है तो ये नीचे रखने का कभी टाइमिंग चेन का जो मार्किंग है। बाकी इसमें कुछ रहता नहीं बट कैसे क्रैंक शाफ्ट की साइड ही रहना चाहिए ये नीचे। तो दिखाता हूँ इधर एक डॉट हो डॉट है उधर डॉट के अपोजिट होना चाहिए। बाकी इसमें कोई मार्किंग वगैरह होता नहीं है, वो लॉकिंग सिस्टम रहता है। तो गाइस ये रबर डन हो गया और मैं इसको पैक कर दूंगा, टाइमिंग कवर वगैरह सब लगा दूंगा। और गाइस कभी भी टाइमिंग लगाओ कोई भी गाड़ी का तो दो राउंड घुमा के चेक करने का, उसके बाद ही इंजन स्टार्ट करने का। गाइस टाइमिंग कवर लग गया है, टाइमिंग कवर रेडी हो गया, ओके हो गया है अभी। तो गाइस कॉटराजेट का जो क्रैंकशाफ्ट का बोल्ट है ये उल्टा टाइट होता है और सीधा खुल जाता है, मतलब ये बाजू घुमाएंगे तो सब गाड़ी में कैसे टाइट होता है लेकिन ये बाजू घुमाएंगे इसका खुलता है। अभी ये बाजू खुलने पोजीशन में टाइट हो रहा है, तो ये चीज़ नोटिस करके रखने का क्रैंकशाफ्ट बोल्ट लूज करना है या टाइट करना है। देख सकते हैं अभी टाइट हो गया, टाइट हो गया, अभी पाना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करो गाइस, गाड़ी ओके हो गया, टाइमिंग और रोलिंग एकदम डन हो गया। तो देख सकते हो फायरिंग चेंज हो गया गाइस, तो चैन का लूज था, चैन का लूज शॉर्ट आउट हो गया, टाइमिंग और रोलिंग करने के बाद। तो गाइस देख सकते हैं इधर आरपीएम एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है। आज आरपीएम 2000 के है।